साहेबो, जब से ये टेनिस शुरू हुई है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तब से मुश्किल हो गई है कि वक्त नहीं निकलता, क्योंकि वक्त निकलता है क्योंकि इस दौरान मैच बड़े ज़बरदस्त हैं और कुछ फिर उसके हाइलाइट्स भी देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स भी सुन लेते हैं, खाना वाना खा के। तो चलिए, मतलब की बात क्या है कि एक मैंने वीडियो किया था, उसका नाम था शिकवाओ शिकायत, तो उसके कुछ अशआर मैंने बोल दिए थे, वो थे बड़े ज़्यादा, तो कुछ रह गए थे तो मुझे भूल भाल गए थे। आज इत्तफाकन मुझे नज़र आए कि ये क्या चीज़ पड़ी है, तो वो थे शिकवाओ शिकायत, और बड़े मज़ेदार शेर हैं, बहुत मज़ेदार शेर हैं। तो सुनिए, पहला अमीर मीनाई का है। शिकवा तो शौक से करो वसल में, लेकिन ए दिल बात कुछ ऐसी ना बिगड़े के बना भी ना सकूं। देखिए क्या बात है, वसल है, मेरी मुलाकात है, तो कहते भी शिकवा करने तो कर लो, लेकिन ऐसा ना हो कि शिकवा करने से बात बिगड़ जाए और फिर बात बने नहीं, आ गई पता नहीं बड़ी मुश्किल से बनी जाए। शिकवा तो शौक से करो वसल में मुलाकात में, लेकिन दिल बात कुछ ऐसी ना बिगड़े के बना भी ना सकूं। दूसरा शेर गालिब का है, वो है कि तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शायबा खूबी तकदीर भी था, कि जो मेरी अपनी जो तबाही का है उसमें तुम्हारा जो रोल है मेरी तबाही का, वो बेजा है, क्यों कि इसमें जो तकदीर है, किस्मत है, शायबाए यानी शायबाए खूबी तकदीर भी था, यानी वो भी शामिल था, तो आपको क्या देना है गिला। तो ये गालिब का था। और अब देखिए, ये शेर सुनिए, ये किसका पहले सुनाऊं, ये जोश मुलाबादी का पहले कभी नहीं पढ़ा, बड़ा कम ही पढ़ा है, मैं अब पढ़ देता हूँ। जोश मुलाबादी, जोश मलिया, जोश मियाबाद। तुम्हारा जिक्र नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं, क्या नसीब का शिकवा हजार बार किया। तुम्हारा जिक्र नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है, किया नसीब का शिकवा हजार बार किया। मैं कब कहता हूँ कि नहीं किया, लेकिन तुम्हारा नाम तो नहीं ना कहीं लिया, क्या सच्चा बन रहा है कि तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। चलो अब फैज अहमद फैज का लीजिए, बड़ा अच्छा शेर है। नहीं शिकायत हिजरा के इस वसीले से, हम उनसे रिश्ता दिल उस्तवार रखते हैं। नहीं शिकायत हिजरा यानी जुदाई का, के इस वसीले से हम उनसे रिश्ता दिल उस्तवार रखते हैं। उस्तवार होता है पक्का रखते हैं। फैज का ही शेर है एक और,
वो भी इतना ही मज़ेदार है बल्कि ज़्यादा मज़ेदार है। ना सवाले वसल ना अर्ज़े गम ना हकायतें ना शिकायतें तेरे ऐद में दिले ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। हाँ जी देखिए कुछ भी नहीं है, कितनी कितनी पाबंदियाँ हैं तेरे ऐद में, क्या ना सवाले वसल यानी मुलाकात का, ना अर्ज़े गम यानी गम भी नहीं बयान करना, ना हकायतें ना शिकायतें ये भी कुछ नहीं कहना, तेरे ऐद में दिले ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। लीजिए ये अदम का शेर है, मुलाहिज़ा फरमाइए। चुप हो गया हूँ आपकी सूरत को देख कर, करनी थी आपसे मुझे कितनी शिकायतें। क्या बात है ना, यानी ये सच्ची बात है, होती है ऐसे कि बस चाहे खुश हो गया है बंदा कि अब तसल्ली होगी मुलाकात होगी, कि चुप हो गया हूँ आपकी सूरत को देख कर, करनी थी आपसे मुझे कितनी शिकायतें। चलिए अदम का शेर सही है। अब शकील बदायवानी ये बड़ा मशहूर शेर शायर है, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी अक्षर आपको बार बार लिखाए हुए हैं। ये देखिए इसका शेर, किस शौक किस तमन्ना किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। किस शौक किस तमन्ना किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। अब इसी का शेर और लीजिए, मोहब्बत ही में मिलते हैं शिकायत के मज़े पैहम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है। पैहम होता है लगातार ज़्यादा, मोहब्बत ही में मिलते हैं शिकायत के मज़े पैहम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है। और देखिए मैं सफ़ा पलटा के देखता हूँ इधर क्या लिखा हुआ है। वो ये है, सीधे सीधे दो से लिखे हुए हैं, बेदिल मुरादाबादी के क्या लिखी, कितनी सीधी सी बात है कि शिकवाए जोरो जफा करता है, अरे नादान ये क्या करता है, शिकवाए जोरो जफा करता है, अरे नादान ये क्या करता है। इसी का शेर है बेदिल का, कहता क्या है, गमों का शिकवा नहीं कल भी ना सबूर नहीं, वो कौन है जो जमाने में गम से चूर नहीं। क्या कह रहा है कि गमों का शिकवा नहीं कल भी ना सबूर नहीं, वो कौन है जो ज़माने में गम से चूर नहीं। इसमें कलब दिल होता है और नासबूर होता है जिसको सब्र नहीं है। तो
कुछ ना कुछ तो हो गया है, लेकिन ये भी अच्छा है, अच्छा है। सुनिए, गमे हयात का शिकवा बजा सही यारो, गमे हयात से लेकिन कोई मफर तो नहीं। मफर होता है जिसे बचा नहीं है, जिसे कोई बचा नहीं है। तो वो कहता है कि शायर कह रहा है, शायर नसीम है कोई, कि गमे हयात का शिकवाओ बजा से ही यारो, कहते शिकवा तो चलिए बाजार है, लेकिन अगर ज़िंदगी है तो गम तो है भाई, तो इसलिए आपको ये नहीं। एक बड़ा सीधा सा शेर मेरे सामने पड़ा है, वो देखिए, वो अनवर साबरी है कोई, वो फरमा रहे हैं, तुम से शिकवा समझ कर किस लिए शर्मा गए, तुम से शिकवा समझ कर किस लिए शर्मा गए, मुद्दतों के बाद देखा था कि आंसू आ गए। क्या सीधी बात है, सिंपल बात है कि बेसाख्ता है आंसू आ गए, बहुत बहुत देर के बाद देखा है। और बड़ी अच्छी कैफियत बयान की हुई है कि तुम इसे शिकवा समझकर किस लिए शर्मा गए, मुद्दतों के बाद देखा था कि आंसू आ गए। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ हो गया, बाकी फिर मिलेंगे जब वक्त मिलेगा, चाहे देर भी हो जाए तो ये ऐसे है कि जब मैं आपके लिए ये शेयर कर रहा हूँ तो मैं खुद बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ कि चलिए जो स्वाद ले सकते हैं वो ले लें। ओके, अब थोड़ा सा संगीत आप सुन रहे थे और मैं इसको ज़रा नज़दीक ले आता हूँ ताकि तेज़ हो जाए थोड़ा सा। और थोड़ा तेज़ कर देता हूँ मैं, तेज़ हो जाएगा ना तो फिर पूरा सुन लेंगे। तो इख्तिताम तक सुन लेंगे। Thank you.
Okay, bye. Thanks for listening.